मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय राजनीति एक बार फिर 180 डिग्री पर घूमती हुई नजर आ रही है। घूम भी इस तरह रही है जिसमें 2014 के बाद से जो परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे, वो लक्षण अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। कल्पना कीजिए कि 2014 से 2021 के बीच कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए दिख सकता था क्या? कहीं नहीं दिख सकता था। क्या 5 किलो राशन के नशे में झूम रही जनता हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, पीपल, इन सबसे आगे सोच सकती थी क्या? कभी नहीं सोच सकती थी। लेकिन अब साफ साफ दिख रहा है कि लोग एक बार फिर महंगाई, बेरोजगारी, क्षेत्र की आइडेंटिटी, अपनी पहचान, क्षेत्र की पहचान, आरक्षण, जाति जनगणना, अपने मूलभूत मुद्दे पर वापस आते हुए दिख रहे हैं, जो भारतीय राजनीति का मूल तत्व थे और देश जिन पे हमेशा चुनाव लड़ता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजवार चेतना विकसित हो रही है। अब इस राजवार चेतना ने ही सांप्रदायिकता, हिंदुत्व, ओबीसी फैक्टर सबकी नींदें उड़ा दी। यदि हम गौर से देखें तो इस नैरेटिव की जनक माने जाने वाली भाजपा ने 2019 में कहां कहां बड़ी सफलता हासिल की जो 2022 आते हुए बिगड़ती प्रतीत हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नैरेटिव बनाया गया था और इस नैरेटिव में लगातार 2014 के बाद देश उलझ रहा था, लेकिन अब देश से ये नैरेटिव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज हम बात करेंगे उन 5 राज्यों की जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रदर्शन किया था, और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, हालात की समीक्षा करिएगा। मैं उन 5 राज्यों के आज की तारीख के हालात बता रहा हूं कि आज वहां क्या हालात हैं, और यही 5 राज्य तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या विपक्ष का कोई नेता बनेगा, जहां आजकल नीतीश बाबू आगे चल रहे हैं। पहला राज्य पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, मैं ये कहूं कि राजनीतिक दुश्मनी जी भर के निकाली, गुस्सा निकाला। वो आपको याद होगा कोरोना टाइम में दीदी ओ दीदी प्रधानमंत्री का वो चेहरा, अमित शाह के वो कमेंट, अमित शाह का दिन रात मेहनत पश्चिम बंगाल में जान झोंक दी थी। यहां पे कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ऐसा माहौल बनाया कि राज्य की 18 सीटें बंगाल में जीत गई, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन विधानसभा चुनाव में व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने पूरा माहौल ही बदल दिया। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव इस साल मार्च के महीने में बंगाल में दिखाई दिया, वो भी म्युनिसिपल चुनावों में, जिसे यूपी चुनाव की चकाचौंध में नेशनल मीडिया ने, यानी गोदी मीडिया ने, तवज्जो दी नहीं। बंगाल तो वैसे भी गोदी मीडिया को बहुत चिढ़ाता है, रुलाता है। बंगाल के बारे में गोदी मीडिया आपको लगातार नेगेटिव बात दिखाएगा, लेकिन बंगाल में क्या अच्छा हुआ है ये कभी भी आप इस गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर दिखाई नहीं देंगे। इन म्युनिसिपल चुनावों ने दिखा दिया कि जो वामपंथी कैडर 2019 और 21 में आगे राम पीछे वाम, मतलब एक बार भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो भद्रलोक और अल्पसंख्यक ममता को छोड़कर फिर से लेफ्ट के पाली में आ जाएगा, ये 19 और 21 में वामपंथी सोचते थे, ये नारा लगाते थे। उसे अब बंगाल में एहसास हो गया कि भाजपा नाम की एंटीबायोटिक दवा ममता से नहीं निपट सकती, लिहाजा ममता से सीधी लड़ने में ही भलाई है। म्युनिसिपल चुनाव का नतीजा ये हुआ कि लेफ्ट पुनः दूसरे नंबर पर आ गया और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तीसरे नंबर पर खिसक गई। अब बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहने लगे हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुल जाए तो चमत्कार होगा। आसनसोल का चुनाव इस मामले का टेलर दिखा गया, जब TMC के शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर भारी जीत दर्ज की और सीट छीन ली, जबकि आसनसोल एक ऐसी जगह थी जो लहर में भी वो जीत नहीं पा सकता था, मतलब वहां पे भारतीय जनता पार्टी आसनसोल में कब्जा था। लेकिन हालात बंगाल के ये हैं कि अब BJP को बंगाल में एक सीट भी आ जाए तो बड़ी बात होगी, ऐसा बंगाल के राजनीतिक विशेषक कह रहे हैं।
मैंने बंगाल के कई अलग अलग क्षेत्र के पत्रकारों से बात की जो सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जागरूक लोग हैं, उनसे बंगाल में बात की। बंगाल के हालात बहुत खराब हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता थे सबके सब वापस ममता बनर्जी के पास आ गए, ममता बनर्जी की शरण में आ गए। पूरा बंगाल का माहौल ममता बनर्जी ने छीन के अलग कर दिया। अब बात करते हैं ओडिशा की, एक ऐसा राज्य जहाँ का मुख्यमंत्री बहुत लो प्रोफाइल रहता है, बहुत आराम से रहता है, आपने बड़ा कूल देखा होगा, लेकिन खेल बड़े करता है। ओडिशा में नवीन बाबू ने भारतीय जनता पार्टी को फिनिश करने की रणनीति वही बनाई जो ममता और लेफ्ट ने बंगाल में बनाई। फर्क सिर्फ इतना है कि ममता बंगाल के मिजाज के अनुरूप टकराव को हथियार बनाती हैं, जबकि नवीन पटनायक उड़िया कल्चर के मुताबिक ऐसे काटते हैं कि कटने वाला कटने से पहले काटने वाले को ही अपना शुभचिंतक समझता है। बेचारे संबित पात्रा के गृह राज में तो नवीन बाबू ने खुद को समय पर मोदी का बगलगीर दिखाकर मुख्य विपक्ष के रूप में जो खतरा दिख रही भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ बड़ा खेल कर दिया। वही खेल जो नवीन बाबू यूपीए के दौर में मनमोहन सिंह के साथ फोटो खिंचवाकर कांग्रेस के साथ करते थे और फिर कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा इतनी ताकतवर हो गई थी कि राज्य की 21 में से 8 लोकसभा सीट जीत गई थी। चर्चा तो ये तक थी, आपको याद होगा बहुत तेजी से चर्चा चली थी कि खुद मोदी बनारस के साथ साथ पुरी से भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंततः बेचारे संबित पात्रा को पुरी से लड़ाया गया और संबित पात्रा पूरी तरह हार गए। आज भी कई विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि यदि मोदी पुरी सीट से लड़ गए होते तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि उस समय लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव थे तो उड़ीसा में विधानसभा सरकार में बीजेपी की सरकार बन गई होती। लेकिन चुनाव बीतते बीतते नवीन बाबू ने खतरा भांप लिया। एक तरफ तो वह पूरे देश में कोरोना कॉल में ऑक्सीजन सप्लाई करवाकर नरेंद्र मोदी की वाई वाई लूटते रहे और वहीं इस वाई वाई को राजभर में ऐसे पेश करवाते रहे कि ओडिशा में भाजपा तो बीजू जनता दल की बी टीम है। देखिए, बी टीम का परसेप्शन चाहे जिसका भी बने, चाहे यूपी में मायावती का हो, बिहार में चिराग पासवान का हो या फिर उड़ीसा में भाजपा का, उन सबको जनता की नज़र में वोट कटवा की इमेज को लेकर ही चलना पड़ता है। यही उड़ीसा में भाजपा का हुआ और जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को 10% सीट भी नहीं मिली। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस में बहुत सुधार देखा। तो यह है नवीन बाबू का धोबी पाठ जो अब तक कईयों को राजनीति का पोटेशियम साइनेट चुपचाप खिला चुके हैं। अगली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी, भले इस राज्य की द्रौपदी मुर्मू को भाजपा ने राष्ट्रपति बना दिया। अब हम बात करते हैं बिहार की, जिस राज्य ने पूरे देश का नैरेटिव चेंज कर दिया। नीतीश बाबू के दांव उन्होंने लगाया है उससे पहले पूरे देश में एक नैरेटिव बन गया था कि मोदी नहीं तो कौन। आप किसी भी सामान्य आदमी से बात करें तो वो कहता था मोदी नहीं तो कौन, कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूती से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन नीतीश बाबू के एक कदम ने पूरे देश का नैरेटिव चेंज कर दिया। लोग मानने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना इस बार मुश्किल है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी 17 की 17 सीटें जीती थी। सोचिए आप, जितनी जगह पर चुनाव लड़ा था सारी सीटें जीत ली। लेकिन अब गंगा में बहुत पानी बह चुका। मोदी जी की नज़र में सच्चे समाजवादी नीतीश बाबू अब मोदी जी की कुर्सी तक पहुंचने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। बिहार में बिहारी प्रधानमंत्री का नारा गूंज रहा है, ये बड़ा सेंटीमेंट बिहार में काम करता है। जाति जनगणना का भी बिहार में बहुत जबरदस्त शोर चल रहा है। इसके देशव्यापी जो प्रभाव है, इस आशंका ने मोदी और शाह सहमत पूरी बीजेपी और आरएसएस को भी डरा दिया है। कहीं ये नैरेटिव, कहीं ये नारा, कहीं ये विचार पूरे हिंदुत्व का नारा ही फेल ना कर दे। बिहार के बारे में अमित शाह ने भी कहा है, आपने सुना होगा वो बयान, कि यहाँ 3 राजनीतिक ताकतें हैं और 2 जब भी एक साथ होती हैं तो उनके पक्ष में एक तरफा रिजल्ट होता है। पिछली बार 3 में से 2 ताकतें अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और अब उनके विरोध में एक साथ मोर्चाबंदी किए बैठी हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ बिहार में क्या क्या हो सकता है। चौथा राष्ट्र महाराष्ट्र, सत्ता पलट करके बड़ा ईगो संतुष्ट किया, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन किया उसने बीजेपी को और नुकसान पहुंचा दिया।
महाराष्ट्र एक भावना प्रधान राज्य शुरू से रहा है। यहाँ हमेशा से भावना प्रधान राजनीति हावी रही है। 1960 में जब मुंबई, उस समय में मुंबई था, 1960 में बंबई राज का दो राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बंटवारा हुआ, तब गुजरात लॉबी की डिमांड थी कि बंबई, जो इसको आज मुंबई कहते हैं, कि बंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इस मांग के बाद कई सप्ताह तक बंबई जलती रही। तब जाकर नेहरू जी ने फैसला किया कि बंबई महाराष्ट्र का होगा। तब से लेकर आज तक गुजराती और मराठी समाज के बीच अविश्वास की जो खाई विद्वान है, यहाँ तक कि मोदी जी ने जब बुलेट ट्रेन का रूट मुंबई से अहमदाबाद तक फाइनल किया, तब भी उसे मराठी समाज में गुजराती हित में लिए गए फैसले की तरह से देखा गया। मराठियों को लगा ये तो गुजरात के फायदे के लिए चलाई गई है बुलेट ट्रेन, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। मराठी लोग अक्सर ये सवाल करते हुए नजर आ जाएंगे कि बुलेट ट्रेन मुंबई से पुणे या नागपुर तक क्यों नहीं बनाई गई। उद्धव ठाकरे ने भी इन सेंटीमेंट को समझा और मुख्यमंत्री बनते ही बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में तमाम अड़ंग डाल दिए। शिवसेना और एनसीपी के लोग कहने लगे कि ये तो गुजरात के लिए है, इससे मराठी मानुष को क्या मिलेगा। इसके बाद बैक टू बैक दो घटनाओं ने बीजेपी के प्रति मराठी मानुष के घाव को और हरा कर दिया। पहली गुवाहाटी मॉडल के तहत उद्धव ठाकरे की सरकार गिराना और दूसरा नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाना। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 48 में से 42 सीटें मिली हो, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिली हो, वहां अब कहा जा रहा है कि गुजराती लॉबी मोदी और शाह के प्रति इतना अविश्वास भर गया है कि नितिन गडकरी की सीट छोड़ दीजिए तो पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को दूसरी सीट मिलना भी मुश्किल लग रहा है। पांचवा राज्य कर्नाटक, येदुरप्पा। कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा ने पिछली बार राज्य की 28 में से 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालकर तहलका मचा दिया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा तक को हरा दिया था। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। कांग्रेस में अब 2019 जैसी अंतरकलह नहीं है। सिद्धार्थ रमैया और डी शिवकुमार हाथ मिला चुके हैं। सिद्धार्थ रमैया ने 2023 के विधानसभा चुनाव को अपनी जिंदगी का अंतिम चुनाव बनाकर वो भावनात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका बड़ा असर पड़ रहा है। पिछले दिनों उनके 75वें जो जन्मदिन था उन्होंने मनाया, उसमें शक्ति प्रदर्शन में उमड़ी भीड़ ने सबको सख्ते में डाल दिया था, इतनी भीड़ आ गई थी। देवगौड़ा को भी दक्षिण कर्नाटक में मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं देवगौड़ा। इसके अलावा देश की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मक्का मदीना कहे जाने वाले बंगलौर शहर, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ था, उसमें 2017 के बाद के बदले हुए आर्थिक हालात ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता कर दी है। जो आर्थिक हालात बन रहे हैं उसमें वो शहर तबाह हो रहा है, कंपनियां घाटे में हैं। येदुरप्पा भी सीएम पद से हटाए जाने के बाद नाराज बताए जा रहे हैं। मोटे तौर पे कहें तो कर्नाटक में भी हालत भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन पांच राज्यों की 186 लोकसभा सीटों में से, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 133 और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 91 सीट मिली थी, वहां स्पष्ट तौर पे 60 से 75 लोकसभा सीटों का नुकसान अकेले भारतीय जनता पार्टी का होता हुआ दिख रहा है। रही बात अलायंस की, तो ना तो इस बार उद्धव ठाकरे हैं और ना ही नीतीश कुमार। तो जाहिर है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए 2024 का चुनाव आग पर चलने के समान है। अभी आप देख रहे होंगे कि गोदी मीडिया लगातार नेशनल चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए हैं, सरतन से जुदा और जो भी बात आपको भावना से भड़का सकती है, मुस्लिम लड़के ने ये कर दिया, हिंदू लड़की ने कर दिया, ये पूरी गोदी मीडिया इस समय देश में माहौल खड़ा करने की कोशिश में है। क्योंकि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है और गुजरात में चुनाव जीने मरने का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यही गोदी मीडिया अगर चुनाव से 4 महीने पहले, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, तो ये गोदी मीडिया इतनी तेजी से रिवर्स भी करता है और जानता है कि जो डूब रहा है उसके साथ डूबा नहीं जाना चाहता। राजनीतिक विश्लेषण को देखना हो तो 4PM देखते रहिए। हम पूरे देश के राजनीतिक हालात पेश करते रहेंगे। अनुरोध है आपसे, अगर आप उत्तर प्रदेश की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा दूसरा चैनल 4PM UP सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको बिहार की खबरें अच्छी लगती हैं
तो 4 PM बिहार आपके लिए हाजिर है। हमारा साथ बना रखिए, हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज ये देख रहे होंगे कि ये जो सच मैं बोल रहा हूँ, ये सच बोलने की हिम्मत आज की मीडिया में नहीं बची है, सारी गोदी मीडिया हो गई है। तो अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आपका साथ मुझे और ताकत देगा। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों से कहिए कि लोगों से कहें कि ये चैनल है जो ईमानदारी से अपनी बात कहता है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। शुक्रिया, थैंक यू।